आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग आईफोन ट्रिक्स के बारे में, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ट्रिक है वो है नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आप ओपन कर सकते हैं कोई भी ऐप। मैं जा रहा हूँ मैसेजेस पे, इसके बाद क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे। यहाँ पे बीच में आपको अलर्ट्स का ऑप्शन दिखता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली चूज करके रखता हूँ नोटिफिकेशन सेंटर, लेकिन आप लॉक स्क्रीन या बैनर्स भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और चूज करेंगे कस्टमाइज नोटिफिकेशंस, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है जो है रिपीट अलर्ट्स का। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी बार अलर्ट्स चाहिए। बाई डिफॉल्ट ये वंस पे रहता है, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम जाएंगे मेल ऐप में और उसके बाद क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे, और यहाँ पे जाएंगे लास्ट ऑप्शन पे यानी कि कस्टमाइज नोटिफिकेशंस पे। और यहाँ पे मेरा जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जो है अलर्ट्स का, इसको एनेबल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है साउंड्स का, तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ एक डिफॉल्ट साउंड अपने जीमेल अकाउंट के लिए। अगला जो ट्रिक है उसको कहते हैं क्विक सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैं नोट्स ऐप में हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक सैम्पल टेक्स्ट है, और मैं बड़ी आसानी से इस कर्सर को मूव कर सकता हूँ अपने फिंगर की मदद से। और अगर मुझे सेलेक्ट करना है इस पूरे पैराग्राफ को, तो मैं जा सकता हूँ इस पैराग्राफ के स्टार्ट में और उसके बाद अपने फिंगर से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर आप डबल टैप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट वर्ड को, लेकिन अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ को। अगला जो ट्रिक है उसकी मदद से आप कर सकते हैं कट कॉपी पेस्ट बड़ी ही आसानी से। तो दोबारा हम आ गए हैं नोट्स के ऐप में। अब दोबारा सेलेक्ट करेंगे इस पैराग्राफ को, करेंगे तीन बार टैप, और यहाँ पे ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं यानी कि कट कॉपी पेस्ट का, लेकिन हम यूज़ करेंगे जेस्चर्स को। तो अगर आप थ्री फिंगर से इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आप कर सकते हैं कॉपी, अगर आप वापस इस जेस्चर को करेंगे तो आप कर देंगे इस टेक्स्ट को कट, और इस तरीके के जेस्चर से आप कर सकते हैं पेस्ट। इस अगले ट्रिक की मदद से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन को। तो इसके लिए जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको मिलते हैं दो ऑप्शंस। जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है वो है आपका लॉक स्क्रीन, और जो राइट वाला ऑप्शन है वो है आपका होम स्क्रीन। हम सेलेक्ट करेंगे लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन, और यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं या रिसाइज कर सकते हैं इस इमेज को। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि जो एप्पल का लोगो है वो सेंटर में आ जाए और थोड़ा सा बड़ा लगे। इसके बाद प्रेस करेंगे इस सेट बटन पे। इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक और ऑप्शन जो है डार्क अपीयरेंस डिम्स वॉलपेपर। इस ऑप्शन की मदद से आपके आईफोन का वॉलपेपर थोड़ा डिम हो जाएगा डार्क मोड में आपके एम्बिएंट लाइट के हिसाब से। जब भी आप लेते हैं एक स्क्रीनशॉट अपने आईफोन पे तो आपको ऐसा वाला एक इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आपको दिखता है एक प्लस का बटन, जिस पे प्रेस करके आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं एक डिस्क्रिप्शन, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक सिग्नेचर, आप ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे है एक मैग्नीफाइंग ग्लास का भी ऑप्शन। तो इस पे अगर आप प्रेस करते हैं तो आप एक हिस्से को मैग्नीफाई कर सकते हैं उस इमेज में। ये सेम चीज़ जो है आप कर सकते हैं किसी भी फोटो पे, ओपन करना है उस फोटो को, उसके बाद प्रेस करना है एडिट पे, और उसके बाद सेलेक्ट करना है इस पेन वाले आइकन को। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दोबारा हमारे पास एक प्लस का बटन आ जाता है, जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमको वापस देखने को मिलते हैं। इस वीडियो पे क्लिक करके आप बचा सकते हैं अपने आईफोन की बैटरी। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।